हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रोज सेक्शन के दूसरे लेशन जिसका नाम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, अफ्रेड वर्ड इसमें से छूट गया था तो मैंने संकेत दे दिया है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे, टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस चैप्टर के कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे रहा हूँ जिसे बहुत ही इजी वर्ड्स में लिखा गया है ताकि आपको इसे लर्न करने में कोई परेशानी कोई कठिनाई ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज वॉयज टू लास्ट। कथाकार ने अपनी समुद्री यात्रा की मतलब कहाँ तक की समुद्री यात्रा करने का योजना बनाया था। आंसर है, द नरेटर हैड प्लान्ड हिज राउंड द वर्ल्ड जर्नी टू कवर 105,000 किलोमीटर्स। अर्थात कथाकार 105,000 किलोमीटर की संसार की यात्रा जो है करने की योजना बनाया था। ही हैड प्लान्ड टू कवर दिस डिस्टेंस इन 3 ईयर्स, और उसने इस दूरी को 3 वर्ष के अंदर जो है पूरा करने का क्या किया था, योजना बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड दे सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडेज। उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियां कैसे मनाई। आंसर है, ऑन 25th दिसंबर, 25 दिसंबर को दे वर 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। वे केप टाउन से पूर्व दिशा में 3,500 किलोमीटर की दूरी पर थे। इन स्पाइट ऑफ स्टॉर्मी वेदर, तूफानी वातावरण के बावजूद, दे हैड अ वंडरफुल हॉलीडेज। उन्होंने जो है आश्चर्यजनक तरीके से छुट्टियां मनाईं। दे कंप्लीटेड देयर हॉलीडे विद अ क्रिसमस ट्री। उन्होंने अपनी छुट्टियों को एक क्रिसमस ट्री के साथ जो है पूरा किया। न्यू ईयर्स डे, 9 वर्ष के दिन भी सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। मौसम में कोई जो है सुधार दिखाई नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप। किस प्रकार की लहर ने जहाज पर प्रहार किया। आंसर है, अ वर्टिकल वेव हिट द शिप विच वाज वेरी ह्यूज। एक लंबवत अर्थात ऊर्ध्वाधर सागर की लहर ने जहाज पर प्रहार किया जो कि बहुत बड़ी थी। एंड वाज 2 टाइम्स द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और अन्य लहरों से 2 गुनी ऊंचाई की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड लिटिल जोनाथन रीच टू द डिसपरेट सिचुएशन दे फाउंड देमसेल्व्स इन ऑन 5th जनवरी। अर्थात 5 जनवरी को छोटा जोनाथन अपने आप को किस तरह के निराशाजनक स्थिति में पहुंचा। आंसर है, लिटिल जोनाथन केम टू हिज डैडी। छोटा जोनाथन अपने डैडी के पास आया। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, इफ दे वर गोइंग टू डाई, कि क्या वे मरने वाले हैं। द नरेटर ट्राइड टू एज्यूर हिम। कथाकार अर्थात जोनाथन का पिता ने उसे जो है भरोसा दिलाने की कोशिश किया, दैट दे वुड ओवरकम द सिचुएशन, कि वे इस सिचुएशन से छुटकारा पा लेंगे, काबू पा लेंगे। देन जोनाथन डिक्लियर्ड ब्रेवली दैट ही वॉज नॉट। तब जोनाथन ने बहुत ही बहादुरी पूर्वक ये कहा कि ही वॉज नॉट, पेज चेंज करने दीजिए, ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। वह मरने से नहीं डरता है, इफ दे कुड ऑल बी टुगेदर, यदि वे सब साथ साथ हों। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड सू ट्राई टू इन लाइकन द ग्लूमी एटमॉस्फियर। अर्थात सू उस जो है निराशाजनक या दुखी वातावरण से
किस प्रकार से बाहर निकली या अन्य लोगों को भी उसने निकाला? आंसर है, सू ट्राई टू इनलाइकन द ग्लूमी एटमॉस्फियर बाय शोइंग हर पेरेंट्स हर हैंड मेकिंग कार्ड। सू जो है इस निराशाजनक वातावरण से अपने माता पिता को अपने हाथों से बनाए हुए एक कार्ड को दिखा करके निकालने की कोशिश किया। सू हैड ड्रॉन देयर कैरी कैचूर्स। सू ने अपने माता पिता के हास्यजनक चित्र को खींचा था एंड रिटन, और उसने ये लिखा था दैट सी हैड ड्रॉन सम फनी पीपल, कि उसने कुछ जो है मजाकीय लोगों का चित्र खींचा है। सी हैड रिटन दैट सी लव्ड बोथ हर पेरेंट्स। उसने यह भी लिखा था कि वह अपने माता पिता दोनों को क्या करती है, प्यार करती है, या प्यार मैंने वो करती थी। थैंक यू।